आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिसिटी के लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है न्यू मेट्रो सिटी। इन्होंने इसकी लॉन्चिंग के दौरान ही ये बात की थी कि जो मेट्रो सिटी की कमिटमेंट अगर जो बिलाल कर रहा है वो बहरिया टाउन की कमिटमेंट है। अगर मुझे अपने नवासे बिलाल के ऊपर फख्र है कि वो इंशाल्लाह ताला ये सराया आलमगीर को लंदन और दुबई बना दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुराना बिलाल अहमद फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको वक्तन फवक्तन न्यू अपडेट्स फ्राहम की जाती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही अथेंटिसिटी के लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है न्यू मेट्रो सिटी। व्यूअर्स, अगर न्यू मेट्रो सिटी की लोकेशन की बात की जाए तो ये सराय आलमगीर खारिया में लोकेटेड है, और इसके अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो इसमें ए बी सी डी और मेट्रो मरीना ब्लॉक जौन से हैं इसमें मौजूद हैं। जैसे ही इन्होंने अपनी मेट्रो मरीना की बुकिंग को क्लोज़ किया है, इसी तरह इन्होंने एक न्यू बुकिंग स्टार्ट की है जिसे आइफल इनक्लेव का नाम दिया गया है, जिसकी आइफल की सराउंडिंग में इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लॉन्च किया है। इसकी जो बुकिंग है वो एक लेवल पर चल रही है, और इसके जितने भी ब्लॉक्स स्टार्ट हुए थे उनके ऊपर ऑन चल रहा था। इसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 14 मरला की कटिंग मौजूद है। व्यूअर्स, अगर इसकी अथेंटिसिटी की बात करें तो इनके जो वेल नाउन जो डेवलपर्स हैं, बीएसएम मलिक बिलाल, जो के ग्रैंडसन हैं मलिक रियाज के, जो बहरिया टाउन के ऑनर हैं मलिक रियाज। व्यूअर्स, इन्होंने इसकी लॉन्चिंग के दौरान ही ये बात की थी कि जो मेट्रो सिटी की कमिटमेंट अगर जो बिलाल कर रहा है वो बहरिया टाउन की कमिटमेंट है। व्यूअर्स, अगर मेट्रो सिटी की लोकेशन और इसकी डिवेलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये सेम लाइक बहरिया टाउन की तरह ही इसमें डिवेलपमेंट चल रही है। व्यूअर्स, अगर इसकी अथेंटिसिटी की बात की जाए तो जिस तरह मलिक रियाज ने अपने बहरिया टाउन की अपनी जो जितनी कमिटमेंट थी उनको उनके प्रोमिसज को पूरा किया है, इसी तरह मलिक बिलाल भी अपने प्रोमिसज को पूरा करेगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपकी इधर की गई इन्वेस्टमेंट जो उनसी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि इनके जो डिवेलपर्स हैं वो बहुत ही वेल नाउन हैं। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसा कि आप अगर किसी मैच्योर एरिया में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके जो चांसेस हैं उसे रिटर्न आपको मिलता ज़रूर है, लेकिन उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इनिशियल स्टेज पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको जो रिटर्न है इसका वो कम टाइम में आपको इसका रिटर्न मिल जाता है। व्यूअर्स, जो आइफल इनक्लेव जो इन्होंने आइफल की सराउंडिंग में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कैटेगरी को स्टार्ट किया है, ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को जो इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो फ़ौरन इधर इन्वेस्टमेंट कर लें। व्यूअर्स, इस सोसाइटी से रिलेटेड या ऑल ओवर पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चाहे आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट हो, रेजिडेंशियल हो, या किसी भी कमर्शियल यूनिट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।